अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जवाब नहीं है, अभी पिक्चर का ट्रेलर चालू हुआ है। अभी हमारे जो 45 जवान उस दिन शहीद हुए थे पीठ पे वार करने के बाद में, उसके एवज में सिर्फ ट्रेलर दिया, 400 की एक बारी दी। अभी आगे आगे आने वाले टाइम में देखिएगा होता क्या है। आज होली से पहले हम लोगों ने दिवाली मना ली है। भारत वर्ष के अंदर हर गली मोहल्ले में भारत माता के जयकारे गूंज रहे हैं, क्योंकि हमारी सेना ने पूरा अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी अड्डे थे उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आज पूरे देशवासी गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है और ऐसे प्रधानमंत्री जो शक्तिशाली प्रधानमंत्री है पूरी दुनिया जानती है इस बात को, और आज उन्होंने ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान ये तो एक छोटी सी पिक्चर है, अभी पूरी पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है और जो अब जाके देखेगा, और ऐसा ही सर्वनाश होता रहेगा भविष्य में। बहुत पटाखे चलाए गए हैं, आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे 40 जवान जैसे मोहम्मद के कारनामों से शहीद हुए थे, आज उसका बदला हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका पाकिस्तान में पीओके में घुस के उनके आतंकियों के अड्डे नष्ट कर दिए हैं। उसमें कम से कम 300-400 आतंकवादी मारे गए हैं। दिवाली आ गई है, दिवाली हमारे लिए आज ही दिवाली का दिन है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो पुलवामा में हमारे वीर सपूतों के छात्र पीठ पीछे बाहर किया था उसका जवाब आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 400 से अधिक आतंकियों को ढेर करवा के ले लिया, 56 इंच का सीना उन्होंने दिखा दिया है। और पाकिस्तान इससे ये सबक ले ले कि ये भविष्य में पुलवामा जैसी दोबारा से अगर उसने ऐसी गलती करी तो उसका पाकिस्तान का सर्वनाश ही हो जाएगा, इससे ये अंदाजा लगता है। और पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि हिंदुस्तान कुछ भी करने को उतारू है, कुछ भी कर सकता है।